फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव भाग 7 का। विद्युत विभव भाग 7, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत विभव का 1 से लेकर के 6 तक, ये आप लोग को हिंदी मीडियम में पढ़ने को मिल रहा है। विद्युत विभव भाग 7 तो आते हैं सबसे पहले विद्युत विभव भाग 7 का सबसे फर्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो सबसे पहले बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कहेंगे क्यों आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे, क्यों आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई फिगर है, फिगर में बहुत सारा आवेश है जो अलग अलग दूरियों पर स्थित है। जैसे पी के आसपास बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, .Qn तक, जिनका स्थिति सदिश हम कह सकते हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, .Rn वेक्टर। तो माना इन बिंदु आवेशों Q1, Q2, .Qn की स्थितियां क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, .Rn वेक्टर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु आवेश Q1 के निकट लाने में किया गया कार्य। हम क्या कर रहे हैं, एक बार Q2 आवेश को Q1 तक लाएंगे, उसी तरह से Q3 आवेश को Q1 तक लाएंगे, Q4 आवेश को Q1 तक लाएंगे, और इस तरह से Qn आवेश तक हम करते हैं और सबका कार्य निकालते हैं। और ये कार्य ही जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कहेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु आवेश Q1 के निकट लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर हम लोग जानते हैं विद्युत विभव गुणे आवेश, विद्युत विभव गुणे आवेश। तो कार्य Q1 का हम निकाल रहे हैं तो W1 हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू V1 इंटू Q2, क्योंकि Q2 आवेश को ला रहे हैं कहाँ, Q1 आवेश। तो Q1 आवेश का जो विभव होगा, विद्युत विभव, वो हमारा V1 होगा। तो W1 इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। तो V1 का वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R1, और चूंकि R2 का दूरी, Q2 का दूरी R2 है, इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। R12 का मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी। इसी प्रकार हम कहेंगे W2, यानी कि अब क्या करते हैं, Q3 आवेश को Q1 तक लाने में किया गया कार्य की बात करते हैं। Q3 आवेश को Q1 बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13। R13 जो है वो Q1 Q3 के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि बाकी सारा चीज वही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, Q2 से अब Q3 हो गया और दूरी जो R112 था वो R13 हो गया। ऐसे डॉट करते जाएंगे Wn तक। Wn इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Qn बाई R1n। R1n का मतलब कि Q1 और Qn के बीच की दूरी। तो इस तरह से हमारा कार्य हो गया। चूंकि n बिंदु आवेशों के कारण है तो लिखेंगे क्या, n आवेशों को अनंत से उनकी संबंधित स्थितियों में लाने में किया गया कुल कार्य। जब कुल कार्य की बात करते हैं तो सारे कार्य को जोड़ देते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस .. प्लस Wn। इसको हम सबका वैल्यू पुट करते हैं W1, W2 और Wn का, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा कि W इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R12 प्लस W2 का वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस .. प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Qn बाई R1n। ये सबका वैल्यू पुट कर दिए।
क्योंकि ये जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो लिखेंगे क्या, यह कार्य कुल आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, इसलिए W के जगह पर U कर देते हैं और जो W का वैल्यू है वो स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 बाई R13 प्लस .. प्लस 1/4πε0 Q1 Qn बाई R1n। तो इस तरह से हमारा आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकल गया। इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो जो कॉमन वैल्यू होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं और बाकी सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/4πε0 कॉमन है, तो लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q1 Qn बाई R1n। ये मतलब टोटल आवेश को हम ऐड कर देते हैं, मीन्स जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा। बाह्य क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, इसमें बहुत सारे केस है। आज हम लोग फर्स्ट केस की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका केस की बात करते हैं। तो सबसे पहला वन केस है एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा। एकल आवेश की स्थिति, एकल मीन्स एक आवेश की स्थिति ऊर्जा निकालना है, फिर दो, फिर बहुत सारे आवेश का निकाल ही चुके हैं। तो एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा के रूप पहले हम क्या करते हैं, आप फिगर देख सकते हैं, एक्स वाई अक्ष में O से P बिंदु, O से R1 R वेक्टर की दूरी पर कोई बिंदु P है जो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में है। यानी कि माना कि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न बाह्य विभव है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के आसपास बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु पर अलग अलग विभव होंगे। तो किसी एक बिंदु की बात करते हैं, मान लिया कि वो बिंदु P है, एक बिंदु P पर विचार करते हैं, और इस P बिंदु पर जहां विभव भी है, P बिंदु पर हम विचार करते हैं जहां पर विभव क्या है, भी है। आवेश Q को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। आवेश Q को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर हम जानते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू भी आवेश गुणे विद्युत विभव। तो ये जो कार्य है, ये कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कहेंगे यह कार्य आवेश Q की स्थिति ऊर्जा में उपलब्ध होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू Q इंटू भी आर। भी आर का मतलब जो है वो विद्युत विभव R दूरी पर है। आप देख सकते हैं फिगर में R वेक्टर है, मीन्स उसकी दूरी बता रहा है कि R, इसलिए स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू Q इंटू भी आर। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और आप यदि हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको देखने को मिले। नए नए वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।